हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इनिशियल बाज़ार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं काफ़ी दिन से नहीं था, मैंने इस पूरे वीक वीडियो नहीं बनाई। इसके पीछे एक रीज़न है, उसके लिए मैं आपसे पहले सॉरी भी मांगना चाहता हूँ। इसके पीछे रीज़न ये है, एक्चुअली मैं एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहा था और मेरा कल एक एग्ज़ाम भी था NISM का। आपने सुना भी होगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट, ये SEBI के द्वारा बनाया जाता है, ये बताया जाता है एग्ज़ाम। तो इसी के एग्ज़ाम में बिज़ी था, इसी की पढ़ाई भी कर रहा था काफ़ी एक महीने से, और फाइनली मेरा एग्ज़ाम क्रैक भी हो गया है और आई गॉट 81% इन इन द एग्ज़ाम। ओके, सो इसी में बिजी था और उसी से रिलेटेड आगे भी आपको होगा तो मैं NISM से रिलेटेड आपको कुछ एजुकेशन भी देना पसंद करूँगा। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं, बट बिफोर दैट हम वीडियो की तरफ चले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल बॉस ऑफ फाइनेंशियल बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, एज वेल एज नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जो पहले तो है राम जन्मभूमि से रिलेटेड, वहाँ पर राम जी का मंदिर बन रहा है अयोध्या में। यहाँ क्लिक करेंगे तो आप सीधे इनकी वेबसाइट पर जाएंगे और आप वहाँ पर कुछ भी डोनेट कर सकते हैं, एक पुण्य काम में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा एंजल ब्रोकिंग का यहाँ पर नीचे लिंक है, फ्री में आपका डीमैट अकाउंट एंजल ब्रोकिंग के साथ ओपन हो जाएगा, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो, और जीरो डिलीवरी चार्जेस से भी रजिस्टर्ड है। तो ये वीडियो की तरफ चलते हैं। तो जो ये आज वीडियो होने वाली है, ये वीडियो होने वाली है किससे रिलेटेड? वीडियो होने वाली है ऐसे शेयर से रिलेटेड जो आने वाले 2 महीने के अंदर अंदर, ओके 2 या 3 महीने के, कि नेक्स्ट क्वार्टर में तक ये कम से कम 10-20% के रिटर्न्स आपको दे देंगे। और अगर मार्केट में 30% के रिटर्न्स कमाते हैं ना, तो ये समझ लेना कि कहते हैं कि बहुत अच्छे रिटर्न कमाए हैं। बट स्टिल मैं आई एम बुलिश ऑन दो शेयर्स, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, मैंने भी एक्यूमुलेट करना शुरू कर दिया। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले एक शेयर नौकरी, नौकरी ये बहुत बेहतरीन शेयर है, पहले भी मैंने आपको हमेशा बताया है। ये बहुत नीचे नीचे तक होके आया है, 4300 के आसपास होके आया था। अगर हम यहाँ पर 5 दिन से देखें तो लगभग कितना 4600 के आसपास ये शेयर आया था। ओके, यहाँ पर 4500 के आसपास, 4600 के आसपास ये शेयर आया था, और मैंने तब भी आपको रिकमेंड किया था और मैंने बताया था कि जितना गिरावट हो इस शेयर को खरीदना। ओके, ये शेयर आपको बहुत अच्छा रिटर्न देगी। अगर 1 महीने पहले अगर देखे तो देखिए 5500 के आसपास ये शेयर चल रहा था। अगर देखिए 52 वीक हाई 5880 का है। ओके, तो इतना ही पे ये शेयर आया था और ये गिर के 4300 तक 29 जन को आ गया था। और अगर हम काउंट करेंगे ना, तो काफ़ी बेहतरीन, मतलब 25% रिटर्न्स के आसपास होते हैं। बट अभी कुछ भाग चुका है, बट स्टिल ओके 15% देखिए यहाँ से भाग चुका है, बट स्टिल अभी भी इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये आपको बहुत महत्व। पहली बात तो देखिए, ये लेवल तो बहुत जल्दी क्रॉस कर लेगा। अगर मैं आपको ये वाला लेवल बताऊँ तो ये लेवल जो है ना लगभग 8%, तो 8% तो आपको कुछ ही दिन में ये देता हुआ नजर आएगा। बट मैं इसकी बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ जैसे कि आपका एक इंडिया मार्ट, ओके लगभग 10,000 पे चल रहा है, ऐसे ही डिक्सन टेक्नोलॉजी ये भी भाग रहा है। इस ये शेयर भी मुझे उसी लेवल पर जाता हुआ, ओके 8 से 9 हज़ार 10 हज़ार पर जाता हुआ दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? इसके पीछे रीज़न है, इसके पीछे रीज़न है ये देखिए, जोमेटो, जोमेटो का आने वाला है IPO। ओके, इसी साल के अंदर आएगा, और इस साल के अंदर जब जोमेटो का आएगा तो आपको पता ही है लगभग 25% शेयर जोमेटो के किसके पास है? इन्फोएज। और जोमेटो ने किस तरीके से काम किया है लॉकडाउन में, ओके आप देख सकते हैं। ओके, यहाँ पर आप देखिए, अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊँ, जोमेटो यहाँ पर देख लीजिए, जोमेटो सेट टू क्लोज 500 मिलियन प्री IPO फंडिंग राउंड। ओके, यहाँ पर देखिए क्लोज कर चुके हैं 500 मिलियन डॉलर यहाँ पर IPO से पहले, यहाँ पर जो फंडिंग है वहाँ पर ये अचीव कर चुके हैं। एज वेल एज बात की जाए, देखिए सॉफ्टबैंक एग्जीक्यूटिव पिक्स अप स्टेक इन IPO बाउंड फूड टेक यूनिकॉर्न जोमेटो। तो यहाँ पर देखिए अच्छी अच्छी न्यूज़ आ रही है जोमेटो से रिलेटेड। तो आपको बताना चाहता हूँ कि जब IPO आएगा तो सबसे तेज जो शेयर भागेगा ना, ये शेयर भागेगा। इसलिए कहना चाहता हूँ कि अभी से अगर जितनी गिरावट पे ये शेयर मिलते हैं ना, तो एक्यूमुलेट करते रहिए। ओके, और अभी भी देखिए 7-8% नीचे हैं, जब IPO आएगा तो ये अलग ही भागते हुए आपको नजर आएगा। बट बहुत अच्छे रिजल्ट है, बहुत अच्छी कंपनी के इन्होंने शेयर्स पिक कर रखे हैं। ओके, अगर बात की जाए तो शादी.com एज वेल एज policybazaar.com नौकरी.com, ये इसलिए सारे शेयर इसने ले रखे हैं, तो आप इसकी तरफ नज़रें बना के रखिए। इसके अलावा एक दूसरी और कंपनी है लार्सन टूब्रो एंड इन्फोटेक। ओके, ये शेयर पे भी बहुत मैं बुलिश हूँ। अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो लगभग अभी भी, ओके अगर हम अभी भी बात करें तो देखिए 7% तो अभी नीचे चल ही रहा है, ओके और अपने ऑल टाइम हाई से। तो अगर जैसे रिजल्ट जब आने, नेक्स्ट क्वार्टर के आने शुरू होंगे ना, तो सबसे तेज भागने वाला ये रिटर्न्स आपको यही देगा।
क्योंकि यहाँ पर आप मैक्सिमम देखेंगे ना, देखिए क्या बेहतरीन, 600-700 रुपये पे चलने वाला शेयर, ओके आज 4,000 रुपये बैठा है, और यहाँ पर देखे तो 1300, अगर यहाँ पर भी देखे कि पेंडेमिक में 1300 रुपये चल रहा था, आज 4,000 4100 4200 रुपये चलने वाला है ये शेयर है। 52 वीक हाई देख लीजिए, लगभग 4500 के आसपास है, 4500 से नीचे चल रहा है, तो ये शेयर आपको मल्टी बैगर रिटर्न दे सकता है, तो इसकी तरफ ध्यान बना के आपको चलना है। इसके पीछे भी रीज़न है, तो देखिए यहाँ पर देख लीजिए, ये एल एन टी इन्फोटेक, तो ये शेयर किस किस से अलायंस कर रहा है, अलायंस विद IBM, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ओके IBM बहुत मतलब इंडिया वर्ल्ड की मेरे ख्याल से अभी कुछ दिन पहले नंबर वन पे भी आ गया था ये IT का स्टॉक, तो ऐसी ऐसी कंपनीज के साथ ये टाई अप कर रहा है, तो थोड़ा ध्यान दे के चलिए। IT सेक्टर में बहुत बड़ा बूम आने वाला है, IT के बगैर पूरी दुनिया में आगे चल के कुछ भी काम नहीं होने वाला है, इसलिए ध्यान दीजिए। इसके अलावा SCL टेक्नोलॉजी काफ़ी बेहतरीन शेयर है, अगर इसका हम बात करें कि इसके ऑल टाइम हाई कितना था, लगभग 1067, तो 1067 की अगर बात करें तो देखिए यहाँ से अभी भी ये शेयर 9-10% कह सकते हैं, एक मिनिमम ये नीचे है, और जैसे ही रिजल्ट्स आएंगे तो ये का अच्छा शेयर भागता हुआ नजर आएगा। लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्टिव से अगर हम व्यू रख के, अपना अपना ओपिनियन रख के लास्ट बहुत लंबा टाइम का, तो ये शेयर आपको बहुत मल्टीबैगर रिटर्न देता हुआ आएगा। 4,100 रुपये का शेयर आज 1,000 रुपये के आसपास चल रहा है, और अगर इसके पीछे भी और भी रीज़न बताऊँ तो देखिए, आज के दिन ही यहाँ पर अनाउंस किया है 700 करोड़ रुपये का बोनस, बट ये बोनस वैसा बोनस नहीं है जो हमें मिलता है, जो शेयर होल्डर्स को मिलता है, ये बोनस एम्प्लॉयज़ के लिए है, लगभग 10 दिन की सैलरी हर एक एम्प्लॉय को यहाँ पर एक्स्ट्रा देते हुए SCL नज़र आ रहा है। और ये कंपनी बोनस क्यों दे रही है, क्योंकि इसके पास कैश है, इसके पास ये इट इज़ द कंपनी वो इज़ गिविंग अ बेस्ट इन द IT इंडस्ट्री, जो अच्छा रिवेन्यू कलेक्ट कर रही है, तो देखिए ये ही कंपनी है जो आपको फ्यूचर में चलते हुए बहुत बेहतरीन रिटर्न्स देते हुए नजर आएगी। तो SCL की तरफ ध्यान दीजिए, 10% गिरा हुआ है, 10% गिरा हुआ है अपने ऑल टाइम हाई से, अब फिर हाई पे जाके आप खरीदेंगे फिर कहेंगे कि फिर गिर गया, तो इसलिए अभी गिरा हुआ है 10%, तो एक्यूमुलेट करना थोड़ा थोड़ा शुरू कर दीजिए। एज वेल एज बात की जाए इन्फोसिस, इन्फोसिस का भी सेम हाल है, इन्फोसिस भी देखिए लगभग अगर हम बात की जाए तो ये भी 6% गिरा हुआ है, और आज आज भाग गया है लगभग कितना, 3%, वरना ये भी 10% आज की डेट में अगर मॉर्निंग में आप देखते हो तो 10% ये भी भागा हुआ है, लगभग 1400 रुपये के शेयर आया था, और ये शेयर वो शेयर है जब ये 1400 क्रॉस करता है ना, तो 1400 क्रॉस करने के बाद एक मोटा माटी कहते हैं कि आपको बोनस देता हुआ नज़र आता है, इसके पास इतने सारे रिजर्व्स है कि हाँ ये बोनस दे भी सकता है, तो इसकी तरफ ध्यान दीजिए, बहुत बेहतरीन शेयर है और लाइफ टाइम रख लीजिएगा। तो मैंने ऐसी ऐसी वीडियो बताई है कि आपने 10,000 लगा दिए होते इसमें जब ये कंपनी आई थी, तो आप करोड़पति और लाख लैक्स ऑफ रुपीज़ तो एटलीस्ट कमाई लेते, तो आइए इन शेयर की तरफ ध्यान जरूर बताइए। इसके अलावा कुछ ऐसे छोटे मोटे शेयर और है, ऐसे छोटे मोटे शेयर और है कि अगर उसकी तरफ ध्यान दिया जाए ना, तो वो इनसे भी ज़्यादा अच्छे कर रहे हैं, तो ऐसे इनकी तरफ तो मैं बुलिश हुई, जो ये अलग से शेयर है। अगर बात की जाए टाटा एलेक्सी काफ़ी बेहतरीन शेयर है, सॉरी इस तरीके का शोर आ रहा होगा, ये बगल में शोर आ रहा है इस वजह से, तो उसे इग्नोर करिएगा। तो टाटा एलेक्सी ये शेयर देखिए 1600 पे भी मैंने बताया था, और मैंने आपको बताया था कि ये शेयर धूम मचाने वाला है, काफ़ी बेहतरीन शेयर है, वीडियो ऊपर डाल दूंगा, आई बटन पे देख लीजिएगा। टाटा एलेक्सी काफ़ी बेहतरीन शेयर है, 1600 पे बताया था, आज 2800 2900, और अगर बात की जाए लगभग 3,000 रुपये तक अभी कुछ दिन पहले ही आया था, ये 52 वीक हाई है इसका, तो इसकी तरफ ध्यान बना के चलिए। ये भी अगर बात की जाए तो ये मेरे ख्याल से IT का सबसे महंगा स्टॉक इंडिया मार्केट में नज़र आता है। इसके अलावा एक और दूसरा शेयर है, कौन सा, एल एन टी से ही जुड़ा हुआ, लार्सन टुब्रो टेक्नोलॉजी सर्विसेज, अगर बात की जाए 1 महीने में, तो 1 महीने में ये शेयर ने काफ़ी बेहतरीन रिटर्न्स कमाया, देखिए 2300 रुपये का शेयर लगभग लगभग कितना अगर 17-18% का रिटर्न दे चुका है विद इन अगर बात की जाए 15 दिन के अंदर अंदर, और क्या चाहिए, ऐसे ही जो ये शेयर है इनकी तरफ नज़रें बना के चलिए। बहुत पहले ये भी शेयर बताया था, इसके अलावा TCS एक अलग शेयर है, उसकी तरफ भी नज़रें बना के चलिए, 5G से रिलेटेड ये काम करने वाले हैं। इसके अलावा टेक महिंद्रा, उसकी तरफ भी नज़रें बना के चलिए, सब अपने ऑल टाइम हाई से नीचे है, बट 2-3 महीने के अंदर अंदर 10-15% का तो रिटर्न मेरे अकॉर्डिंग दे ही देंगे, बाकी फ्यूचर के वो ये इन्वेस्टमेंट करने वाले स्टॉक है, लेके भूल जाइए, सो जाइए, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, पैसा अपने आप बनता रहेगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, एज वेल एज कोई भी पोजीशन बनाने से पहले आप
अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर पूछ लीजिएगा, खुद की स्टडी जरूर कीजिएगा। मेरी स्टडी थी जो तो मैंने आपको एक बता दिया, बाकी आप अपनी खुद की स्टडी जरूर करिएगा। और बाकी बॉस ऑफ फाइनेंशियल बाजार को लाइक कमेंट शेयर करिए, ओके सब्सक्राइब भी करिए इस चैनल को और इस वीडियो को भी लाइक कमेंट करिए। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।